नमस्कार, आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं फ्रॉक लेकर आई, ये देखो बीच में मैंने ऐसे प्लीट्स डाल के ऊपर मैंने डिज़ाइन बनाया, जे नीचे लैस लगाई, जे बाजू है, जे कैप बनाई है, तो पोम पोम लगाया। आप चाहे तो ऐसे डिज़ाइन बना लो, आप चाहे तो यहाँ भी लैस लगा सकते हो। बहुत सरल है, नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाती है। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये ऐसा बनेगा, ये देखो। एक, दो, तीन, चार, पांच। पहले हम इसे आगे बुनेंगे, ये फंदे प्लेट पाड़ना, फंदे कट दे भी है क्योंकि कमर दे कोलो हम फंदे कटाते हैं ना, वैसे भी इससे हमारे फंदे प्लेट्स डल जाएंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। फिर एक, दो, तीन, चार और पांच। अब पीछे से आ जाएगा, एक, दो, तीन, चार और पांच। देखो ऐसे प्लीट लेंगे। फिर एक, दो, तीन, चार, फाइव फाइव फंदे हमारे से हमने प्लीट डालना है। एक, दो, तीन, चार और पांच। एक बार आगे से लेना, एक बार पीछे से लेना। एक, दो, तीन, चार, पांच, पीछे से। एक बार आगे से लेना, पहले आगे फिर बाद में पीछे। एक, दो, तीन, चार और पांच। ऐसे लगेंगे।
जहाँ हम कोई स्टोन सा लगा देंगे जिससे हमारा अच्छा लगेगा ये वाला, ऐसे। एक दो तीन चार पांच, फिर आगे से, पहले आगे फिर बाद में पीछे से, एक दो थ्री और जे पांच, एक दो तीन चार पांच, आप पीछे से, एक दो तीन चार और पांच, बाकी 10 फंदे हमारे वैसे बुन लेंगे। ये देखो, ऐसे बॉक्स पीटर बन गए। ये हमारे फंदे कितने बन गए, एक दो तीन चार पाँच, तीन फंदे हमारे, 60 फंदे हमारे हो गए, क्योंकि हमने फंदे कटाने ही सीखे और 60 फंदे हमारे यहाँ हो गए। अब थोड़ा सा सिंपल बुन के फिर मुंडे की कटिंग करूंगी, थोड़ा सा आप सिंपल बनाकर फिर मुंडे की कटिंग करनी आपको सिखाती हूँ। बिल्कुल देखो प्लीट्स अच्छे लग रहे हैं ना फ्रॉक के, पूरे बॉक्स प्लीट आएंगे ये वाले, पूरा बना के आपको फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखो मैंने इतना बना लिया, ये मैंने बीच में थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है जहाँ बेल्ट आती है, उसके आगे हमने उसकी बॉडी बनानी है, इतना मैंने बना लिया। अपनी आप अपने बच्चे के हिसाब से लंबाई रख लेना, मैंने इतना रखा बस के जहाँ से हम मुंडे की कटिंग करेंगे। अब पहले आपको मैं ये डिज़ाइन बनाना सिखा देती हूँ, ये वाला बहुत सरल है,
चलो आपको ये बनाना दिखा देती हूँ। दो फंदों का ही है ये, देखो पहले फंदा एक बुन लिया, फिर यहां से ये दो फंदे छोड़ के ना ये देखो बीच में से ऐसे निकाल ले, ऐसे लूप सा बन गया, इसे वापस इस सिलाई में डाल लेना। धागा आगे किया, जो हमने एक फंदा बढ़ाया था उसको और दूसरे फंदे के साथ दोनों का एक कर देना। और ये फंदा भी हमने उल्टा ही बुन लेना, दो फंदे उल्टे बुन हो गए। पीछे धागा किया, फिर जहां से ऐसे लंबा सा हुआ निकाल के फिर इसे ऐसे इसमें डाल दिया, धागा अपनी तरफ किया, दो का एक, एक फंदा और उल्टा, दो उल्टे फंदे ही बुनने हैं। धागा पीछे, फिर जहां से ऐसे निकाल के इसमें डाल लिया, बाद धागा अपनी तरफ किया, एक वो वाला जो फंदा हमने बढ़ाया था, एक ये वाला, जो दो फंदों का हमने एक कर देना, और दूसरा फंदा भी हमने उल्टा ही बुन लेना। फिर धागा पीछे, फिर जहां से धागा अपनी तरफ किया, दो का एक और एक उल्टा, फिर धागा पीछे, जहां से निकाला फिर फंदे किसी में डाल दिया, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा ये वाला और एक फंदा ये वाला, दोनों का हमने एक कर देना, और एक फंदा फिर उल्टा। ये देखो ये काट काट सी ऐसी हमारी बन गई। फिर धागा पीछे, इसको वापस इसी में धागा अपनी तरफ किया, दो का एक कर दिया, दूसरा फंदा भी एंड में दो फंदे बचे, ये हम ऐसे सीधे बुन जाएंगे। धागा पीछे किया और सीधा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुननी। पूरी उल्टी जी, आप चाहते हो कि इसके ऊपर ऊपर डले तो फिर ऐसे ही बुन लेना, जैसे एक पुट्ठा एक फंदा बुनने के बाद। जी आप चाहते हो इस जो डिज़ाइन डिफरेंट डिफरेंट आए तो फिर आपने ऐसा करना, पहले हमने एक बुना था ना, अब हम दो बुनेंगे। एक फंदा उतारा वैसे ही,
एक फंदा बुन लिया। पहले हमने दो एक बुना था, एक के बाद डाल दिया, अब दो बुनने के बाद आपने वही वाला प्रोसीजर करना। यहाँ से देखो, यहाँ से बुना ऐसे, सेम वही एक सिलाई का ही ये डिजाइन है। पहले दो फून एक फंदा बुना था, फिर हमने दो बुन लिए, धागा अपनी तरफ किया सेम जैसे पहली हमने सिलाई डाली थी, जहां से पहला बुना ऐसा लूप सा निकाल के, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे और फिर एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर जहां से धागा अपनी तरफ, फिर पीछे धागा, धागा अपनी तरफ, दो का एक, एक से उल्टा और, फिर धागा पीछे, फंदा इसमें डालना, धागा अपनी तरफ, दो का एक और एक उल्टा, आगे पीछे फंदे दो आए थे, अब हमारा फंदा एक आया, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। जी पूरी उल्टी हम डाल लेंगे। ये देखो ये पूरा डिजाइन बन गया। ये देखो थोड़ी सी हमारी शेप आ रही है, ये आपको कैसे डालनी है, दोनों तरफ से देखो आ रही है, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि हमने यहाँ से फंदे हमने 30 60 फंदे कर दिए थे कमर के पास, अब हमारी यहाँ थोड़ी सी ऊपर ब्रेस्ट की तरफ जाती है, तो ये देखो इतनी शेप डलेगी थोड़ी सी। यहाँ मैंने क्या किया था, हर सिलाई में एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाया है, वो कैसे ये आपको दिखा देते हैं। चाहे तो आप ऐसे बढ़ा लो, तो चाहे आप इस तरह बढ़ा सकते हो, एक फंदा बुना एक के दो कर दिए, नीचे हमारे 60 फंदे थे, जहां से हमारे 60 फंदे थे अब हमने 72 फंदे कर लिए ऊपर, ये पूरी सिलाई सीधी डाल के। नीचे हमारे 60 फंदे जहां थे अब हमने 72 फंदे करने हैं। आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, एक एक फंदा आपने बढ़ाते जाना, हर सिलाई में थोड़ी शेप सी बन जाती है और अच्छा भी लगता है और थोड़ा लूज भी हो जाता है, क्योंकि नीचे बच्चे स्वेटर डालते हैं। और भी दोनों तरफ से एक एक फंदा हमने बढ़ाना है, पहले इधर से बुन लिया फिर पीछे से बुन लो, चाहे आप दूसरी तरफ बना लो चाहे ऐसे बना लो। ये देखो शेप कितनी अच्छी आ रही है, ये देखो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब 70 फंदे आप करके चार सिलाइयां आपने सीधी उल्टी की वैसे डालनी है, बिना फंदा बढ़ाए
उसके बाद हम मुंडे की कटिंग करते हैं। फिर आप 72 फंदे करके एक दो सिलाइयाँ सीधी उल्टी की डाल लो, फिर आगे आप बताते। ये देखो हो गया। अब हम मुंडे की कटिंग करेंगे। एक फंदा पहला हमने उधर से उतारा, एक और उतारा, एक दो और तीन, तीन दो एक की करनी हमने। ये देखो हमने जो फंदे बढ़ाए थे उसकी शेप देखो कितनी अच्छी आई है। जहाँ हमने दो सिलाइयाँ वैसे डाल ली, अब पूरी सिलाई सीधी, एक फंदा हमने बुनने के पहले ऐसे उतार लेना धागा पीछे करके। ये फंदा हमने उतारा था ऐसे उतार लो, एक फंदा और उतारना, एक दो और तीन, थ्री टू और वन, तीन दो एक की हमने पूरी यदि कटिंग करनी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, एक फंदा हमने ऐसे उतार लेना, एक फंदा उतारा, दूसरा भी उतार लिया, एक और दो। ये देखो इसकी ऐसी शेप आएगी। इधर भी हम दो कर लेंगे, फिर एक एक, तीन दो एक, ऐसे आप करके थोड़ा सा मैं बनाकर फिर आपको गला बनाना सिखाती हूँ। ये देखो एक साइड मैंने गले के बनाई, थोड़ा सा वी गला बनाकर आगे मैंने गोल बनाया, यहाँ से थोड़ा सा वी आगे गोल। ये मुंडे की कटिंग ही होगी तीन दो एक की। देखो ऐसी मैंने की है कि नज़र भी नहीं आ रही। ये देखो शेप कैसी अच्छी डाल रही है। अब इस तरफ मैंने कर लिया, अब उसी तरफ मैं बताती हूँ कैसे की मैंने। ये मैंने ये वाला डिज़ाइन ही डाला है यहाँ भी। एक सीधा फंदा बुन लिया, यहाँ से दो का एक, दो के अंदर से अपने ऐसे जो वो डिज़ाइन डाल रही हूँ ये ऐसे डाल दिया, धागा अपनी तरफ, दो फंदों का एक, अगला फंदा भी एक बुन लिया, धागा पीछे, जहां हमने दो का एक करना है। गले की ना शेप देनी, वी गला बना रहे हैं, दो का एक। बाकी सारा सीधा ही बुनेंगे। ये फंदे मैंने आधे आधे कर लिए, आधे आधे करके तीन दो एक की कटिंग करके बाकी जितने फंदे बचे थे वो हमने आधे आधे कर लिए। उल्टी सिलाई सारी उल्टी। ये देखो फिर फंदा उतारा,
हर सले फंदा निकटाना हन। आपने एक बारी फंदा कट, एक बारी कट पहली सिलाई में एक सिलाई वैसे सिंपल बुननी बीच में। पहले हमने एक फंदा जहाँ कटाया था ना, ये तो डिज़ाइन डाल रहे हैं ना, दो का एक वो सेम वाला डिज़ाइन, फिर उल्टा धागा पीछे, जो ये वाला डिज़ाइन है वही वाला सेम है, सेम डिज़ाइन है। आगे हमने एक दो का एक किया था, अब नहीं करना, एक सिलाई छोड़ के दूसरी सिलाई में करना है। अब सिंपल सीधी उल्टी सिलाई, पूरी उल्टी। अब फिर सीधी सिलाई, पहले फंदा उतारा, फिर बीच में से ऐसे किया, वापस धागा अपनी तरफ, दो का एक, एक उल्टा, धागा पीछे। देखो पहले हमने जहाँ फंदा दो का एक किया था एक सिंपल सिलाई बुननी, अब फिर दो का एक करेंगे। एक बार सिंपल बुनना और एक बार हमने दो का एक करना, इतना बनाना। हमने कितना बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमने ये डालनी है। ऐसे बनाकर फिर आपको मैं आगे दिखाती हूँ। फिर ये देखो ये पूरा वी बन गया, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे टोपी के लिए, टोपी बनानी है हमने। अब क्या करना, अब इतने फंदे हमने 10 5 फंदे हमारे यहाँ से कटे हैं, एक एक यहाँ से, फिर एक जहाँ से, फिर एक जहाँ से, एक जहाँ से और एक जहाँ से। अब इकट्ठे हमने फंदे कटाने हैं। एक दो तीन और चार, चार फंदे कटा के बाकी सिंपल बुन लेना, क्योंकि यहाँ से हमने गोल करना। पहला चार कटाए, फिर दो कुल फंदे हमने रखने ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 18 फंदे हमने ऊपर रखने हैं। 18 फंदे छोड़ के बाकी सारे फंदे हमने एक दो दो एक एक करके, पहले चार कटाए फिर दो, फिर एक एक करके हम कटा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे बचे 5 फंदे, पहले हमने चार किया फिर दो कर लेंगे, फिर एक एक करके पूरे फंदे कटा के हमने इतना बुन लेना, फिर ऊपर थोड़ा सिंपल बुन लेंगे इतना। उसके बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। बस यहाँ से अब हम डिज़ाइन नहीं डालेंगे, अब बस सिंपल ही बुनेंगे, हर सिलाई एक फंदा कटा के बाकी सिंपल बुन के। ये देखो पूरा बन गया, या वी गला और साथ में एकदम गुलाई बन गई, ये डिफरेंट मैंने गला बनाया है बिल्कुल ऐसे। ये पूरा हमारा बन गया। अब हम पीछे वाला हिस्सा बनाएंगे। पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल सिंपल मैंने बनाया, 80 फंदे डाल के पूरा मैंने सीधा उल्टा बुन लिया, बिल्कुल सिंपल नीचे से लेकर ऊपर तक। अब हम सेंटर में यहाँ एक चौड़ा प्लीट डाल लेंगे, सिर्फ एक प्लीट डालना, चौड़ा हो भी। इसके लिए देखो क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 फंदे मैंने रख लिए, और एक हमने बड़ा सा प्लीट डालना है। इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 फंदे हमने आठ फंदों को हमने इकट्ठा प्लीट डालने के लिए, ब्लॉक स्प्लीट डालना।
आपके पास ऐसी सिलाई नहीं है कि तो दूसरी सिंपल सिलाई में भी आप डाल सकते हो। एक तीन चार पांच छ सात और आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ। जी हम पीछे से एक दो तीन चार छः सात और एट एट फंदे हमने प्री डाले हैं। ये देखो ये हमने बड़ा पी डाला, एक पी डाला सेंटर में। ये हमारे फंदे कितने रह गए, एक दो तीन पाँच छ सात आठ। बत्तीस फंदे हमारे, बत्ती चौंठ चौंठ फंदे हमारे हो गए। अब हम थोड़ा सिंपल बुन के फिर थोड़े से हम यहाँ जैसे आगे हमने बढ़ाए थे ना, ऐसे ही हमने थोड़ी शेप डालने के लिए जहाँ से फंदे बढ़ाएंगे, इतना पूरा बनाकर, इतना लंबा बनाकर, जितना ये है इतना लंबा बनाकर फिर हम थोड़ी सी शेप डाल देंगे यहाँ से, और फिर मुंडे की कटिंग ऐसे ही कर देंगे। फिर मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखो ये पूरा बन गया, ये वी शेप बन गई। अब हमने मैंने कैप बनानी है, कैप के लिए मैंने फंदे उठाने, ये देखो पीछे से ऐसे पी डल गया, पीछे बाकी सारा प्लेन बनाया मैंने। अब कैप के हमने ये फंदे उठा रहे हैं। चौदह फंदे मैंने इधर से उठाए हैं। कैसे उठाने मैं दूसरी तरफ से दिखाती हूँ आपको। बाकी फंदे ये पीछे वाले हैं, पीछे वाले मैंने बंद नहीं किए थे इसलिए साथ साथ ही बुन रही हूँ।
14 ये है, पिछले 1 2 3 4 5 6 7 चौबीस फंदे पीछे हैं। और मैंने सीधी सीधी सिलाइयाँ ये बनानी है, सीधा उल्टा नहीं बनाना। आपको दिखाती हूँ कैसे करना। से फंदे उठाने, चौदह फंदे हमने इधर से उठा लिए, अब हमने सीधा सीधा ही बुनना है, इधर से भी सीधा। बीच में सेंटर में हमने फंदे बढ़ाने हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये हम दोनों तरफ से हमने 25-25 फंदे रख लिए, और सेंटर में एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा। उसके आगे हमने एक फंदा बढ़ाना, कैसे? एक फंदा ऐसे और एक सीधा, एक फिर ये फंदा हम उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे, इससे हमारी चेन चेन सी आ जाएगी। दो फंदे हमने बढ़ा लिए, हर सिलाई में हमने दो फंदे बढ़ाते जाना। उल्टी तरफ से भी हमने सीधा बुनना, एक फंदा हमारा उल्टा आएगा।
और ये फंदा हमारा उल्टा, फिर पीछे धागा, हमने फंदे उतने बढ़ाने, अब मैंने 70 फंदे करने हैं, 70 फंदे हो जाएंगे फिर बिल्कुल सिंपल बुनना। आपने आपके बच्चे का सिर बड़ा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो। सीधी सिलाई, ये देखो ये हमारा फंदा सीधा आ गया। इससे पहले हमने एक फंदा बढ़ाना, ये सीधा बुन लिया। ये देखो एक इससे बाहर, ऐसे आप अपने बच्चे के हिसाब से ज़्यादा फंदे बढ़ा सकते हो। सत्तर फंदे मैंने की करने हैं, 70 फंदे से ठीक आ जाएगी, तो नहीं तो आप बढ़ा सकते हो ज़्यादा भी। ऐसे आप थोड़ा बनाकर आपको मैं दिखाती हूँ फिर। ये बस सिंपल एक सीधा सीधा फंदा आ जाएगा, इसके साथ साथ फंदे बढ़ते जाएंगे, इससे जाली भी नहीं पड़ेगी और नज़र भी नहीं आएगा फंदा बढ़िया हुआ। ये देखो जी मैंने बाजू भी बनाई है, नीचे मैंने वही बॉर्डर डाला है। इसके ऊपर मैंने एक सार फंदे बढ़ाए हैं इकट्ठे, वो कैसे बढ़ाए आपको दिखा दस देती हूँ। नीचे बॉर्डर तो आपने जो बेल्ट वाला बनाया था ना फ्रॉक के ऊपर, वही वाला है, फंदे मैंने ऐसे बढ़ाए हैं। पहले दो सीधे बुन के धागा आगे, एक बुन लिया, एक और बुन लिया, फिर धागा आगे, दो फंदे सीधे, 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 एंड में दो फंदे सिंपल। उल्टी सिलाई, सिंपल उल्टी ही बुनी है। ये देखो ऐसे चाली चाली सी, जो मैंने नीचे से मैंने 40 फंदे डाल के ऊपर मैंने 60 फंदे किए हैं।
थोड़ी चोना से वगैरह आ जाती है। देखो जाली आ गई, और यहाँ से मैंने थोड़ी सी कटिंग की है और बाकी मैंने वैसे बंद कर दिया। तीन दो दो मैंने ये कटिंग की है, ऊपर मैंने 30 फंदे रख लिए। चलो पूरी बनाकर आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये देखो मैंने फंदे बढ़ाए हैं, मैंने 70 फंदे नहीं किया, मैंने 100 फंदे किया, क्योंकि नीचे से मैंने फंदे यहाँ से गले के बहुत कम फंदे उठा पाई थी ना, इसलिए मैंने ऊपर 100 फंदे पूरे कर लिए। आपके बच्चे का सिर बड़ा है तो आप 100 से ज़्यादा भी कर सकते हो। ये देखो इतना, और अब इसके आगे मैंने सारा प्लेन बनाना है। प्लेन बना के पूरी टोपी बनाकर आपको फिर मैं कैप बना कर दिखाती हूँ। इतना मैंने बनाया और इससे डबल और बनाऊंगी और आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो मेरी कैप बन गई। ये मैंने 10 इंच लंबी बनाई है। अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखो कैसे, पहले ऐसे सुई सिलाई के साथ बंद भी कर सकते हो, आप सुई के साथ भी कर सकते हो। पहले फंदा हमने उतार देना, दूसरा ऐसे। एक फंदा उतारना, दूसरा नहीं। एक फंदा उतारना है, एक फंदा छोड़ देना है ऐसे ही। बिल्कुल सीता हुआ नज़र नहीं आएगा, सुई के साथ सिए से अच्छी फिट आती है, फिनिशिंग अच्छी आती है। ऐसे आप पूरा बना लेना, एक फंदा उतार देना बस, दूसरे को ऐसे सुई में डाल लेना। फिर इधर एक फंदा उतार लिया पहले, दूसरा ऐसे।
सिलाई कितनी नज़र नहीं आती, इधर से भी और इधर से भी। ऐसे आप पूरा बना लेना। ये देखो पूरी कैप बन गई। ये मैंने ऊपर पोंपोन लगा दिया। यहाँ से मैंने थोड़ा सा आपको बताती हूँ कैसे किया। मैंने कच्चा सा कर दिया आगे आगे, इसके आगे ऐसा कच्चा करने से थोड़ी फ्रिल सी बन गई। ये देखो ऐसे किया मैंने। बिल्कुल किनारे किनारे लिया मैंने, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करके। ऐसे करके मैंने वाइट था कैसे इसलिए किया कि आपको नज़र आ जाए। फिर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा कर दिया मैंने। यहाँ मैंने फ्लावर सा बनाया, यहाँ भी नीचे मैंने लेस लगाई है। ये कैसे लगानी है ये आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखो ऐसे आप कोई भी लगा सकते हो लेस, मैंने तो ये वाली ली है। सिंपल धागे से टंके से मैंने कैप के आगे भी लगाऊंगी मैं, जहां मैंने थोड़े थोड़े चुनर डाले हैं। ऐसे पूरी लगाकर नीचे बंद कर देंगे। और जो जो मैंने ये बनाए हैं ये ऐसे बनाना है। पीछे आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाना। दोनों प्लीट ऐसे पकड़ के तीन चार पाँच और छः मैंने ऐसे डाल के इसको ऐसे मैंने खींच दिया। खींचने के बाद ऐसे नीचे जाके इसको मैंने बंद कर दिया। ऐसे मैंने आगे भी डाले और फ्लावर भी मैंने ऐसे ही बनाया ये वाला। और पीछे हमने एक जहाँ बो लगाएंगे बीस फंदे डाल के मैंने एक सीधा एक उल्टा मैंने बुना है। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा
धागा पीछे करके एक सीधा, धागा आगे एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। उल्टी सिलाई में भी क्या करना, जो हमने सीधा बुना था ये उल्टा था ना, यहाँ हम सीधा बुनेंगे, जहाँ उल्टा सीधा था यहाँ हम उल्टा बुनेंगे। ये देखो ये उल्टा है, ऐसा बनना, देखो सीधे के ऊपर उल्टा, उल्टे के ऊपर सीधा। सीधे के ऊपर जिस सीधा आया इसके ऊपर उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा, ऐसे। ये सीधा, यहाँ उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा और सीधा, ऐसे आपने बना लेना। ये देखो मैंने 4.5 इंच किया, 5 इंच कर लूँगी, 5 इंच के बाद इसको मैंने बंद कर देना। ये देखो मेरा पूरा हो गया, अब हम इसे बंद कर देंगे। सिंपल, ये देखो यहां सेंटर लेके ये सब हम धागे काट देंगे। ये मैंने क्रोशिया का एक सिंपल बनाई है डोरी सी, ये इसके ऊपर ऐसे लपेट देंगे। और हम पीछे ऐसे लगा देंगे। ये नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा। और हम ऐसे ही इस कैप के आगे आगे भी लेस लगाएंगे ऐसे। जहाँ मैंने एक क्रोशिया से ऐसे बनाया है यहाँ बटन लगा लेंगे। ऐसे बन के पूरी तैयार होगी। आप भी जो बच्चों के लिए बनाना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।